चलिए मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में आपको दो चार्जेस गिवन है, ये ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, ये वाला पॉइंट। आपको दो पॉइंट गिवन है, मान लीजिए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट सपोज 6,8, एक और पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, ऐसा गिवन है आपको। और ये जो 3,4 आपको पॉइंट गिवन है, मान लीजिए एक है +2 कूलम, और इस वाले पॉइंट पे आपको एक चार्ज गिवन है -5 कूलम, और आपको बोला गया है कि आपको फोर्स फाइंड करना है 5 कूलम वाले चार्ज के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे आप। ये ज्वाइन किया आपने, जैसा कि आप जानते हैं आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर वेक्टर का हेड वहाँ रखना है जहाँ आपको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले सब लोग आर वेक्टर फाइंड करेंगे। आर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, या तो आप लंबा प्रोसीजर अपनाइए कि इस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को भी ओरिजिन से ज्वाइन करें, इनके पोजीशन वेक्टर लिखें, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट से चेंज इन पोजीशन वेक्टर, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए। या फिर इसका सिंपल तरीका कि आपका आर वेक्टर जो आ गया वो क्या आ गया, दैट इज 6 - 3, 3i कैप, 8 - 4, तो कितना हो गया 4j कैप। अब आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जो कि कितना आ गया, कोफिशियंट ऑफ आई कैप स्केयर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे कैप स्केयर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया इस केस में आपके पास, वो आ गया 5 यूनिट, ये आ गया। अब आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज़ करना है, जो कि बोलता है के Q1 Q2, Q1 आप अगर किसको मान रहे हैं +2 कूलम को, Q2 कितना आपका -5, के Q1 Q2 बाय मोड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, तो 5 का क्या करना है आपको, क्यूब करना है, इनटू आर वेक्टर जो कि कितना है आपका 3i कैप +4j कैप, ये यूज़ करेंगे आप। तो 5 के स्केयर से ये यहाँ 2 पावर रह जाएगा, एक 5 का पावर कट कर देते हैं, इसमें से माइनस साइन बाहर आ गया तो ये 5 का स्केयर बच गया। तो एफ वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 2k/5 का स्केयर कितना हो गया 25, इंटू -3i कैप -4j कैप, ये फोर्स आ गया जी आपका। अगर आप इसी क्वेश्चन में क्या करते, जो फोर्स है आपको वो -5 कूलम पे ना निकल करके कहाँ निकालना होता, +2 कूलम पर निकालना होता, तो आप इसको क्या करते, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते जैसा कि हम कर लेते हैं। अब आपको फोर्स कहाँ निकालना है, 2 कूलम के चार्ज पे निकालना है। तो अगर आपको फोर्स 2 कूलम के चार्ज पे निकालना है, तो आपका आर वेक्टर का टिप कहाँ होना चाहिए जहाँ आपको फोर्स निकालना है। तो अगेन आपके लिए आर वेक्टर बन गया, बट इस बार ही आर वेक्टर अपना क्या हो गया, दैट इज 3 - 6, तो कितना बच गया -3i कैप, 4 - 8 कितना हो गया -4j कैप। अगेन अगर आप क्या करेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो सिंपल मेथड से कितना आ जाएगा, वो 5 यूनिट आ जाएगा। अब आपको फोर्स लिखना है, तो फोर्स क्या बोलता है, के इंटू +2 - -5 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, दैट इज 5 की पावर 3, इंटू आर वेक्टर दैट इज -3i कैप -4j कैप, ये आ जाता। अगेन 5 के क्यूब से हम लोग 5 को कैंसिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा 25, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। फाइनली वी कैन से दैट कि ये कितना आ गया। अब अगर हम यहाँ से क्या करें, मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा है, बट ये माइनस का साइन था तो माइनस को बाहर ले लिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया, 2k/25, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3i कैप + 4j कैप। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा।
आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब 5 कूलम के चार्ज पे आपने क्या निकाला, फोर्स निकाला, तो आपका जो ये आर वेक्टर यहाँ लिखा गया था वो लिखा गया था -3i cap -4j cap। अब जब आपने 2 कूलम के फोर्स चार्ज पे फोर्स निकाला है तो आपका वेक्टर आया है 3i cap + 4j cap। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। यही कूलम्स लो की वेक्टर फॉर्म बोलती है कि जो 2 कूलम ने 5 कूलम के ऊपर फोर्स लगाया है, वही फोर्स 5 कूलम ने किस पे लगाया है, 2 कूलम पे लगाया है, मैग्नीट्यूड वाइज, बट उन दोनों की डायरेक्शन क्या है वो एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है। आप ये वेक्टर्स की फॉर्म में इसको देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यूज़ करना है तो आपके लिए आर वेक्टर का हेड वहाँ होना चाहिए जहाँ आपको फोर्स निकालना है, और चार्जेस को आपने क्या रखना है। आपको एक स्केयर पिरामिड गिवन है जिसकी की साइड आपको गिवन है, मान लीजिए वो √2a है, जिसके हर कोने पे कितना चार्ज रखा है, वो क्यू चार्ज रखा है। और इस स्केयर के ऊपर आप समझिए इसको ऐसे कि नीचे स्केयर के चारों कॉर्नर्स पे क्या रखा है, चार्ज रखा है। अब ऊपर एक पॉइंट पी है जिसपे कि क्या रखा है, चार्ज क्यू रखा है। और इस स्केयर के सेंटर से, जहाँ इसका सेंटर है, जहाँ इसके डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे ए दूरी ऊपर क्या है, एक पी पॉइंट है जिसपे क्या रखा है, चार्ज क्यू रखा है। आपको क्या फाइन करना है, आपको नेट फोर्स फाइन करना है। फाइंड एफ नेट एट पी। आप क्वेश्चन समझिए, ये एक 3D क्वेश्चन है। एक स्केयर है, स्केयर के चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, जहाँ स्केयर का सेंटर है वहाँ से ए दूरी ऊपर एक पॉइंट है, उस पर भी एक चार्ज क्यू रखा है। और आपको इन सारे चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या करना है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स फाइंड करना है, जो कि इस क्यू चार्ज ने क्या किया है, बाकी सभी के कारण एक्सपीरियंस किया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, अपना इमेजिनेशन थोड़ा सा बढ़ाएं और इस तरह के क्वेश्चन को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेकर के आए। मान लीजिए आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ ऐसा आप ड्रॉ करते हैं, ऐसा करके, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस, ये आपका लेट सपोज क्या y एक्सिस। तो आप ये स्केयर जो आपका है वहाँ, जिसकी की साइड कितनी है, वो √2a है, आप इस स्केयर को कुछ इस तरीके से यहाँ क्या करिए, ड्रॉ करिए इस तरीके से। आप समझिए, आपको समझ आएगा। ऐसे आपने क्या करना है, इस स्केयर को ड्रॉ करना है, ऐसे करके आप इसको क्या करें, ड्रॉ करें। ये स्केयर आपका बन गया है, ये चारों पॉइंट्स आ गए आपके स्केयर के, मान लेते हैं ABCD वट एवर यू कॉल इट। अब आप ये इमेजिन करिए कि अगर आपने ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, तो आपका जो z एक्सिस है वो कहाँ है। तो आप z एक्सिस को बोलेंगे इस बोर्ड के प्लेन के या तो बाहर बोलेंगे, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ऐसे बाहर की तरफ, या फिर अंदर की तरफ आप इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए हमने बोल दिया कि ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट P है, ये आपका वो पॉइंट P है जहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज Q रखा हुआ है। और जैसा कि आपको गिवन था, ये वाला चार्ज भी क्यू है, ये वाला चार्ज भी क्यू है, ये चार्ज भी आपको क्यू गिवन था, ये वाला चार्ज भी आपको क्यू गिवन था। आज जैसा कि अब आप जानते हैं इसका साइड कितना गिवन था आपको, √2a गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओरिजिन से ये कितनी दूरी है आपकी, a, ये वाली भी दूरी कितनी है, a, 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 आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आपके इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो कितने आए, वो आए आपके a, 0, 0। इस वाले पॉइंट के भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखें जो कि कितने आए, 0, a, 0। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे सभी लोग जो कि कितने आए, -a, 0, 0। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं जो कि आया 0, -a, 0। अब पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। आप ध्यान दें, ये पी पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है जो आपके बोर्ड के प्लेन से बाहर है,
तो ये जेड एक्सेस पे लाई कर रहा है वाला पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 0, a, जैसा कि आपको वहां गिवन था, ए दूरी पर ये पॉइंट पी था। तो अब आपको फाइंड करना क्या है, आपको फाइंड करना है इस पी पॉइंट पर ये जो चार्ज क्यू रखा है इसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है बाकी सारे चार्जेस के कारण, और वेक्टर फॉर्म में बताना है, मतलब विद डायरेक्शन बताना है आपको ये। तो आप इनको नाम दे लीजिए, लेट सपोज ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट भाई, और ये क्या डी पॉइंट। तो अब आपको क्या फाइन करना है, आपको फाइन करना है बाकी सारे चार्जेस के कारण इस पी पॉइंट पे जो चार्ज क्यू रखा है इसके ऊपर क्या करना है, फोर्स फाइन करना है। तो आप इसको नोट करें कि आप ये काम कैसे कर पाएंगे, आप सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे पी पॉइंट पर, किसके कारण निकालेंगे, उस पॉइंट के कारण निकालेंगे, उस चार्ज के कारण निकालेंगे जो कहाँ रखा है, ए पॉइंट पर रखा है। तो आपके लिए फोर्स किस पे निकालना है आपको, पी पॉइंट पर जहाँ की एक चार्ज क्यू रखा है, किसके कारण निकालना है, ए पॉइंट पर जो चार्ज क्या रखा है, क्यू रखा है, उसके कारण निकालना है। तो आपको क्या बताया गया है कि आपका आर वेक्टर का टिप कहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए जहाँ आपको फोर्स निकालना है। तो मतलब इस केस में ये आपका आर वेक्टर हो गया भाई। अगर आप बी पॉइंट चार्ज वाले के कारण निकालेंगे तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, इस तरफ पॉइंट करेगा, सी वाले के कारण निकालेंगे ये हो जाएगा, डी वाले के कारण निकालेंगे तो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा है। फिर हम इन सारे फोर्सेस के सम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए पॉइंट पर जो चार्ज क्यू है उसने कितना फोर्स लगाया, किस पर, क्यू चार्ज पर जो पॉइंट पी पर है, उसको कैसे लिखा गया, उसको लिखा गया के क्यू स्क्वायर बाय, समझें आप कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ से भी कितना दूरी पर है, ए दूरी पर, यहाँ से भी कितना दूरी पर है, ए दूरी पर। अगर आप इस वाले लाइन को ऐसे टेढ़ा ज्वाइन करेंगे, ऐसे टेढ़ा ज्वाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू ए, कितना हो जाएगा रूट टू ए, रूट टू ए का क्या लिखना है आपको यहाँ, पावर थ्री इंटू क्या आर वेक्टर। अब आप आर वेक्टर को लिखिए, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो इस वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, ए के कैप माइनस ए आई कैप। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट लिखते हैं, फोर्स निकालना है पी पॉइंट पर किस चार्ज के कारण, जो कहाँ रखा है, बी पॉइंट पर रखा है, तो उसको भी क्या लिखा जाएगा सिमिलरली, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का क्या क्यूब इनटू। अब आप इसको नोट करिए, ये क्या हो गया, ए के कैप माइनस ए जे कैप। इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, वो वाला फोर्स लिखना है जो पी ने पी पॉइंट पर जो चार्ज है उसने एक्सपीरियंस किया, किसके कारण, जो सी पॉइंट पर क्या है आपका चार्ज है क्यू। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का क्यूब इनटू वेक्टर लिखेंगे, तो वेक्टर क्या आ गया, दैट इज ए के कैप, ए के कैप माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस ए जे कैप, जे कैप नहीं सॉरी यहां आई कैप, ये एक्स एक्सिस पे है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए आई कैप। अब आपको कौन सा फोर्स लिखना है, वो फोर्स लिखना है जो पी पॉइंट पर जो चार्ज है उसने एक्सपीरियंस किया, किसके कारण, जो डी पॉइंट पे चार्ज है उसके कारण, तो उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का क्यूब इनटू। अब आप कैसे लिखेंगे, ए के कैप माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए जे कैप। सारे पॉइंट चार्जेस के कारण आपने फोर्स निकाल लिया। अब जो नेट फोर्स आएगा पी पॉइंट पर वो इन सब का क्या आ जाएगा, वो वेक्टर सम आ जाएगा। तो जब हम इनको वेक्टोरली ऐड करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इन टर्म्स में क्या है, जे कैप का टर्म जे कैप के टर्म को कैंसिल कर देगा, आई कैप का टर्म आई कैप के टर्म को कैंसिल कर देगा, और जो रिमेनिंग है उसको अगर ऐड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का
होल क्यूब क्या आ रहा है सब में से, कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। जो नेट फोर्स आया आपका वो क्या आया, एफ नेट को लिखा गया, क्या लिखा गया, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए का क्यूब इंटू फोर ए के कैप। जब आपने सबको जोड़ा तो ये अंदर क्या बच गया, फोर ए के कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ नेट वुड बिकम, ये कितना हो गया, फोर के क्यू स्क्वायर इंटू ए बाय नीचे टू रूट टू आ जाएगा इंटू ए का क्यूब, तो ए की पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये ए स्क्वायर रह जाएगा, ये ए क्यूब था, इंटू क्या है आपका के कैप है, इसको टू से मार देंगे, ये कितना आ गया, रूट टू आ गया। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आया आपका रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय कितना, इस एक ए को काट देंगे तो ये कितना बच जाएगा नीचे, ए स्क्वायर बच जाएगा, और ये किस तरफ आ जाएगा आपका, के कैप की तरफ। मतलब आपका जो नेट फोर्स लगा पी पॉइंट पर जो चार्ज है उसके ऊपर, वो किस डायरेक्शन में लगा, वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगा, क्योंकि आपका आंसर में यहाँ क्या आया है, वो पॉजिटिव के कैप आया है, विच इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो ये जो नेट फोर्स आया ये क्या आया आपके पास, विद डायरेक्शन आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करें आप, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को यूज करें, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो सर ने किया इसको आप सीखें, थोड़ा सा इमेजिन करें, मजा आएगा आपको। आपको एक क्यूब गिवन है जिसका कि साइड कितना है, वो मान लीजिए साइड गिवन है आपको, लेट सपोज 1 मीटर, और क्यूब के हर एज के ऊपर आपको एक चार्ज रखा है क्यू, हर जगह यहाँ एक चार्ज रखा है भाई, क्यू क्यू चार्ज रखा है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस तरीके से कि आप अलग अलग पलट करके सभी चार्जेस के ऊपर बाकी सारे चार्जेस के कारण क्या करें, नेट फोर्स निकालें। अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा ये, मतलब अभी के लिए अगर हमें इसको समझना हो तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो इसको हमने नाम दे दिया 1 का, इसको हम नाम दे दें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये मान लेते हैं 8। इस तरीके से हमने इनको नाम दे दिए, और इसकी साइड कितनी है, सारी की सारी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, वो 1 मीटर आपको गिवन है। मान लीजिए अभी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड एफ नेट एट पॉइंट नंबर 7। मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ कि आपको 7 नंबर पर जो चार्ज रखा है, पॉइंट नंबर 7 पर क्यू चार्ज रखा है, उसके ऊपर फोर्स निकालना है जो बाकी सभी चार्जेस ने क्या किया है, एग्जर्ट किया है उसके ऊपर। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ भी आपको चार्जेस दे रखे हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सबसे पहले सभी पॉइंट्स के। तो वन पॉइंट नंबर 1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, वो जैसा कि दिखाई दे रहा है वो 0.0.0 हो गया। पॉइंट नंबर 2 का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, 1.0.0। क्यों हो गया 1.0.0, क्योंकि अपने को इसका साइड कितना गिवन है क्यूब का, 1 मीटर गिवन है, तो ये हो गया 1 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर, तो पॉइंट नंबर 3 कहाँ लाई कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो 1.1 कितना हो गया, 0। पॉइंट नंबर 4 कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, तो 0.1.0 हो गया। आपका जो पॉइंट नंबर कौन सा है, 5 है, वो कहाँ लाई कर रहा है, वो जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, 0.0.1 हो गया। आपका जो पॉइंट नंबर 6 है वो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितने हो गए, 1.0.1 हो गया।
अभी पॉइंट नंबर 8 कहाँ लाई कर रहा है, वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 1, 1। पॉइंट नंबर अगर 7 की बात करें तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये स्पेस में लाई कर रहा है, तो ये कितना हो गया 1, 1, 1। मेरे ख्याल से सब लोगों को इस तरीके से क्या समझ में आ गया है कि कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है क्या जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है आपका जो कि क्या है के कैप है। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 पर जो चार्ज क्यू है उसके ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो सीक्वेंस में करते हैं, सबसे पहले फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1 जो पॉइंट नंबर 1 पर चार्ज रखा है उसके कारण, पॉइंट नंबर 7 पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, इसको लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय, सबसे पहले आप इसको नोट करें कि जो पॉइंट 1 है वो कहाँ है 0, 0, 0 और ये कहाँ है 1, 1, 1। तो डायगोनल कौन सा हुआ इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ अपने पास डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना आ गया, √3a का होल क्यूब आ गया इस केस में, आप देख भी सकते हैं डायग्राम से, इनटू क्या वेक्टर। तो वेक्टर कैसे निकालेंगे, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये कितना आ गया अपने पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये वाला फोर्स लगाया 1 ने किसके ऊपर, 7 के ऊपर। सिमिलरली 7 के ऊपर जो फोर्स लगाया किसने, 2 ने, 2 को ढूंढो भाई कहाँ है, तो 2 ये रहा, ये रहा, ये फेस डायगोनल हो जाएगा, अभी ये बॉडी डायगोनल था आपका, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो अभी कितना आ गया, ये लिखा गया के क्यू स्केयर बाय √2a का होल स्केयर इन टू। अब आप देखिए 2 से 7 की तरफ पॉइंट करना है आपको वेक्टर को, तो ये कितना हो गया 0 i कैप, तो ये कितना आ गया j कैप प्लस क्या k कैप। सिमिलरली आपको फोर्स निकालना है कौन सा, 7 के ऊपर फोर्स निकालना है किसके कारण, 3 के कारण। तो 3 को देखें भाई, 3 का है और 7 का है, वो ये रहा भाई, तो ये कितना आ गया, इसको लिखा गया k q स्क्वायर बाय, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, ये कितना हो गया, इसको a लेना है तो ले लें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप यहाँ a ना लिखें, यहाँ a अपने को गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया, ये 1 का स्केयर हो गया, 1 मीटर सेपरेशन है दोनों के बीच में। तो 3 से 7 की तरफ पॉइंट करना है आपको, तो ये कितना हो गया 0 i कैप 0 j कैप इंटू क्या आ गया k कैप, तो ये आ गया जी आपका k कैप। आपको 7 के ऊपर फोर्स निकालना है किसके कारण, 4 पॉइंट चार्ज के कारण, 4 वाले के कारण। अगेन ये आपका क्या हो गया, फेस डायगोनल बन गया, सब लोग देख पा रहे हैं। तो इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया के क्यू स्केयर बाय √2 होल स्केयर, √2 है, √2 आ गया, तो ये कितना लिखा गया जी, इसको कैसे लिखेंगे आप, इनटू, तो ये कितना हो गया आई कैप प्लस के कैप। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई कैप प्लस के कैप लिखेंगे। आपको फोर्स निकालना है 7 के ऊपर किसके कारण, 5 वाले पॉइंट चार्ज के कारण, 5 वाले पॉइंट चार्ज को ढूंढिए। अगेन ये आपका फेस डायगोनल है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाय √2a का क्या होल स्क्वायर इनटू क्या, 7 को 5 को 7 से ज्वाइन करें, तो इसको लिखा गया आई कैप प्लस जे कैप। आपको अगेन फोर्स निकालना है किस पे, 7 वाले पे किसके कारण, 6 वाले के कारण। 7 वाले पे फोर्स निकालना है आपको किसके कारण, 6 वाले के कारण। तो ये रहा जी दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, इसमें कोई जरूर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसको लिखा गया के क्यू स्केयर बाई कितना, 1 का क्यूब
इनफैक्ट हम लोग यहाँ क्या करते जा रहे हैं, स्केयर लिखते जा रहे हैं, तो हमें लिखना क्या था, क्यूब लिखना था, हर जगह क्यूब करिए इसको, इसको क्यूब करिए, एक तो क्यूब हो गया, इनटू क्या लिखना है, सिक्स को ज्वाइन करना है सेवन से, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका जे कैप। अगेन आपको क्या करना है, फोर्स लिखना है सेवन वाले पे, किसके कारण, एट के कारण, तो सेवन और एट देखिए कहाँ है, सेवन और एट ये रहे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, वो वन है, तो इसको लिखा गया के क्यू स्क्वायर बाय वन क्यूब इनटू क्या लिखा जाएगा, आई कैप। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, सारे फोर्सेस को जोड़ लेंगे, और अब आपको क्या फाइन करना है, एफ नेट फाइन करना है, तो आपका एफ नेट क्या बन जाएगा, इस केस में सारे फोर्सेस का सम बन जाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर लगभग सारे टर्म्स में है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, नीचे का टर्म हर जगह से कॉमन नहीं है इस बात का ख्याल रखिए आप, और बाकी अंदर के वेक्टर्स आपको गिवन है, तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, उन सबको जोड़ लीजिए, और जो भी आपका इन सबको जोड़ करके आंसर आएगा वो नेट फोर्स होगा, जो कौन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो पॉइंट नंबर सेवन पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज क्यू एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बाकी सारे चार्जेस के कारण, ठीक है जी।